फ्रेंड्स, ये अशोका सीता अशोका ट्री है। आप इसको देखेंगे कि कैसे गुलाई में बड़ा हुआ है ये, और काफ़ी घना संघना है, क्यों ये काफ़ी वर्ष पुराना है अशोका ट्री। और इधर मैं आपको अब हाइब्रिड क्वालिटी के दिखाती हूँ, जो हमारे यहाँ फील्ड में लगे हुए हैं, वो भी बहुत लंबाई में गए हुए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अशोका ट्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगी और उसके सीड भी दिखाऊंगी। अशोका ट्री दो तरह से होता है, एक तो हाइब्रिड क्वालिटी का और एक जिसे सीता अशोका ट्री बोलते हैं। तो जो उसकी पहचान ये है कि जो हमारा हाइब्रिड क्वालिटी का ट्री है वो लंबाई में बढ़ता है, पर जो सीता अशोका ट्री है वो गुलाई में बढ़ता है। जैसे हमारे आम पुराने प्लांट्स हैं और उनकी कटाई छटाई करो या ना करो वो गुलाई में ही बढ़ेगा, उसको मैं आपको ये दिखाऊंगी। हमारे फील्ड में जो उगा हुआ है वो, उसके मैं सीड लेके आई हूँ। ये ग्रीन कलर के सीड हैं, बिल्कुल जामुन की तरह सीड हैं उसके, और उसमें से ये बीज निकलता है। ऐसे करके अगर आप निकालेंगे तो वाइट कलर का बीज निकलेगा, और इसका फल बिल्कुल आप जब जामुन की तरह फल बन जाता है ब्लैकबेरी का, तो उसको आप लेके आएं, ग्रीन को आप मत उगाएं। ये तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, जो हाइब्रिड क्वालिटी का है उसमें कभी भी बीज नहीं, सीड नहीं बनता, वो टहनी से ही हमारे यहाँ माली, कोई भी माली वो उसको ग्रो करता है। पर इसके सीड बनते हैं जुलाई अगस्त से पहले, मान लो गर्मी होने से पहले बन जाते हैं, और इस सीजन में ये बिल्कुल ही ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये सीड बिल्कुल वहाँ पे गिरे हुए ब्लैक कलर के मैं लेके आई हूँ। अब मैं इनको ग्रो करना दिखाऊँगी आपको, ग्रो करने के बाद इनकी कैसे, इनको पानी और सॉयल चाहिए, और इसको इसके बाद मैं इसको पोट में नहीं रखूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबाई में बढ़ जाता है। तकरीबन हमारा 20-22 फुट, इससे आगे भी 27 फुट तक भी ये चला जाता है, तो इसको हम पोट में नहीं रखेंगे। मैं इसको जहाँ मैं फील्ड में उगा के आऊँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपडेट के साथ। अब मैं जो सीड उगाने के लिए सॉयल ले रही हूँ, वो सॉयल गार्डन सॉयल 50%, 20% मैंने काउडंक लिया और 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और इसके सीड को ग्रो करूँगी। अगर आप, मेरे पास एक बात और है, अगर आप पोट में ही इस प्लांट को रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप बहुत ही रिच सॉयल बनाएं, जैसे इसको बॉर्न मील दें और इसको सुपर फास्फोरस जो हमारी एग्रीकल्चर की शॉप में मिल जाएगी उसको वो खाद दें, तब वो अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, और टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग करते रहें। अब मैं इसको आपको ग्रो करना दिखाती हूँ। आप सारी सॉइल को मिक्स करके और इसमें पोट में भर लें, और मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि आप एक दिन पहले इस पोट को अच्छी तरह पानी से भर दें, जो ताकि हमारे जो एयर बबल्स हैं, आप देख रहे हैं एयर बबल्स बनते हैं, और जो भी हमारी एयर सॉयल की कोई कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो एक दिन के, एक रात के लिए आप छोड़ दें पानी दे के, उसके बाद आप सीड ग्रो करें तो देखेंगे आपका रिजल्ट 100% रिजल्ट निकलेगा। ये रात को मैंने डाल दिया था इसमें काफ़ी सारा पानी, और अब मैं आपको सीड ग्रो करना दिखाती हूँ इसके। और मैं जो ये सीड हैं वो मैं सीड काफ़ी सारे प्लांट्स पोट में लगाऊंगी, ताकि तकरीबन मेरे हिसाब से ये सीड सभी ग्रो हो जाते हैं। तो मैं इन सभी सीड्स को, क्यों ये प्लांट बहुत बड़े बड़े प्लांट बनेंगे, तकरीबन 30-35 फुट से भी ऊपर चला जाता है ये प्लांट, तो मेरे हिसाब से ये फिर मैं इनको फील्ड में ग्रो कर दूँगी। और मैंने कई पोट लगाए हुए हैं, इसको आप फुल वाटर दें और पानी की कमी आप सीड में ना छोड़ें, और सीड को अगर आप जर्मिनेट करते हैं, उगाते हैं, तो उसको आप स्प्रे से पानी दें ताकि हमारा सीड हिले नहीं। और सुबह शाम, अब जैसे गर्मी पड़ रही है, सुबह शाम दो टाइम आप सीड को पानी दें। फ्रेंड्स, अब अशोका ट्री को लगाए हुए तकरीबन हमारा एक मंथ हो गया है,
इसकी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। मेरे सभी पॉट्स में तकरीबन सभी प्लांट्स उग गए हैं। मैंने 10-12 पीस लगाए थे और 10-12 के 10-12 उग गए हैं, और इनको अब मैं थोड़ा सा और बड़ा होने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी और फिर मैं उनको उखाड़ के फील्ड में लगा के आऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े प्लांट बन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अशोका ट्री है आप देख रहे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी बनी है और अब मैं इनको आपके सामने फील्ड में लगाऊंगी, क्योंकि ये अब पॉट में इनको वो खुराक नहीं मिल रही है और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही लगा हुआ है। इनकी ग्रोथ थोड़ा थोड़ा हो रही है, पर इसकी भी हो रही है। ये न्यू पत्तियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल ये न्यू पत्तियाँ निकली हुई हैं, पर फिर भी वो ग्रोथ नहीं है जो हमारी ज़मीन में इसको खुराक मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप देखेंगे इसकी ना रूट्स बहुत गहरे तक चली गई हैं, और अब मैं इसको इस सॉइल के साथ ही ढक दूंगी ताकि हमारी रूट्स ज़्यादा ख़राब ना हो। और इस तरह से मैं ये सभी प्लांट्स को अपने फील्ड में लगा दूंगी। और ये अशोका ट्री जो हमारा, इसकी पत्तियों की पहचान यही है कि ये बिल्कुल सेम पत्तियाँ होती हैं, हाइब्रिड की भी और सीता अशोका ट्री की भी। और ये हमारा एक लक्की, हमारी संस्कृति में इसको लक्की ट्री के लिए जाना जाता है। तो आप इस ट्री को ज़रूर लगाएं घर पे, अगर नहीं आपके पास जगह तो मेरे हिसाब से अगर फील्ड में लगा, इसमें पोर्ट में लगाते हैं तो इसको आप बहुत अच्छी खुराक दें, ताकि इसकी रूट्स को डेवलप होने के लिए जगह और स्पेस और खुराक मिलती रहे, क्योंकि ये बहुत लंबे ट्री जाने वाले हैं। और ये गुलाई में जाता है, जो ये मेरे पास अब ट्री है ये सभी गुलाई में जाने वाले ट्री हैं। कोयला, वुड ऐश वो भी इसको दे सकते हैं इस प्लांट को, क्योंकि इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, और इसके लिए आप वुड ऐश, कच्चा कोयला कार्बन का स्रोत है जो, और वर्मी कंपोस्ट और बोन मील और सुपर फास्फेट, आप सभी में से कोई ना कोई इसको देते रहें खुराक, तभी ये लंबाई में बढ़ेंगे। और जब ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं तब इसको कोई खुराक की ज़रूरत नहीं होती, तो ये अपने आप ही बढ़ते रहते हैं, ज़मीन से ही अपनी खुराक पूरी करते रहते हैं। स्टार्ट में आप ज़रूर इनको खुराक दें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये अशोका का ट्री लगाना बताऊंगी अपने यहाँ फील्ड में, खुली जगह में, क्योंकि मैंने वहाँ से पोट से निकाल लिया। उससे पहले आप ये बिल्कुल गली सड़ी खाद है, ये गली सड़ी खाद आप इस गड्ढे में डाल दें, और उसके बाद आप ट्री को लगा दें, उसके बाद हम वाटरिंग करेंगे। और इसके बाद आप खूब सारा पानी डालें इसमें, प्लांट में जैसे हम पॉट में डालते हैं, काफ़ी सारा पॉट में इसमें पानी डल जाएगा, और उसके बाद सुबह तक ये बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा हमारा प्लांट और ग्रोथ शुरू कर देगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर लाइक व शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।